नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे दखल खारिज को लेकर। बिहार में जमीन के सबसे ज्यादा मामले हैं। बिहार सरकार जमीन से जुड़े मामलों को कम करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके तहत बिहार सरकार के साथ ही बिहार के राजस्व भूमि एवं सुधार विभाग भी लगातार मामलों को निपटारा करने के लिए नए नए नियम बना रही है। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने DCLR की कोर्ट का ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति DCLR की कोर्ट जाए बिना ही अपने केस की जानकारी ले सकता है। साथ ही साथ किसी भी तारीख या फिर भूमि सुधार उप समाहर्ता ने क्या आदेश दिया सब ऑनलाइन देखा जा सकता है। सुनवाई होने के बाद पारित अंतिम आदेश की कॉपी भी बेपर यानी कि इंटरनेट पर जो उसका वेबसाइट है उस पर डाल दिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि टेंशन को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी कर्मियों की जिम्मेवारी भी तय कर दी गई है। समय समय पर वो उसकी जानकारी अपलोड करते रहेंगे। हर महीने म्यूटेशन से जुड़े कर्मियों की रैंकिंग और फिर विभाग द्वारा जारी की जाएगी। इसी तरह से DCLR ऑफिस और उसके अदालत को भी जिम्मेवार बनाया गया है। अब भूमि सुधार अपर समाहर्ता और भी सजग होकर काम करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग के कार्यों को धीरे धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है। जल्द ही अपील की सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी जाएगी। नई व्यवस्था में म्यूटेशन के अपील के लिए भी आवेदक को सिर्फ DCLR कार्यालय जाकर आवेदन देना होगा। वहां मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदन की ऑनलाइन एंट्री कर देगा। इस पर ऑटो जनरेट केस नंबर दर्ज हो जाएगा। इस नंबर के आधार पर आवेदक अपने आवेदन के बारे में घर बैठे ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार ने राज्य में भूमि विवादों को कम करने के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसके तहत अब दखल खारिज में जमीन के नए मालिक के नाम के साथ ही अब उनके नक्शे में भी बदलाव होगा, यानी कि नाम और नक्शा दोनों का एक ही साथ म्यूटेशन यानी कि दखल खारिज कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री करता है तो दखल खारिज में उसका नाम, प्लॉट नंबर के साथ ही उस जमीन का नक्शा भी नए रूप में तैयार करके दिया जाएगा। इसके भविष्य में जमीन विवाद से जुड़ी कोई भी आशंका नहीं रहेगी। राज्य में जमीन के हो रहे नए सर्वे के बाद से यह प्रावधान पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इसमें जमीन के सीमांकन के साथ ही नक्शे की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दखल खारिज कानून के किए जा रहे अहम संशोधन के तहत नक्शे में जमीन की चौहद्दी का भी निर्धारण रैयत या फिर संबंधित जमीन मालिक को करके बताना होगा। इसके साथ साथ नक्शे में चौहद्दी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। अगर दखल खारिज में जुड़ा कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा संबंधित होल्डिंग क्षेत्र के पदाधिकारी या फिर CEO के पास होगा। अब जमीन के नक्शे का प्रारूप अंतिम रूप से तैयार होने के बाद ही उसे जारी कर दिया जाएगा। इस नए प्रावधान के तहत जमीन की डीड या फिर एग्रीमेंट में जमीन की प्री म्यूटेशन का भी स्केच रजिस्ट्रेशन के कागज में जमा करना होगा। रैयत को भी अपनी जमीन का नक्शा तैयार करवाना होगा। इस तरह से प्री म्यूटेशन स्केच की आवश्यकता जमीन की सभी तरह की रजिस्ट्री में पड़ेगा, चाहे वह जमीन गिफ्ट का हो, बदलाइन यानी कि अदला बदली की गई हो, जमीन की खरीद बिक्री हुई हो, या फिर बंटवारा के दौरान उसे जमीन मिला हो, या फिर पैतृक कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसे यह जमीन का मालिकाना हक मिला हो। राज्य सरकार ने जमीन का स्केच तैयार करने के लिए जमीन सर्वेयर या फिर किसी तीसरी पार्टी को इसमें छूट दे रखी है। तो ये थे म्यूटेशन को लेकर जानकारी, जिसमें ये बताया गया है कि अब जो है DCLR कोर्ट को जो है आप ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं। आपकी ज़मीन से जुड़े हुए कोई भी अगर विवाद है तो उसको आप जो है DCLR कोर्ट में आवेदन करने के बाद आप उसे ऑनलाइन देख सकते हैं कि उस ज़मीन की यानी कि आपका जो वो केस है उसका क्या स्थिति है, उस पर क्या फैसला हुआ है, अब संबंधित विभाग की तरफ से इसको लेकर क्या कार्रवाई की गई है। तो ये थी जमीन को लेकर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।